खबर मंडला से, बैगा जनजाति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रशासन तत्पर। कलेक्टर मंडला, मंडला बेकाओं के पारंपरिक नृत्य में झूम के नाची मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह। काना क्षेत्र के खटिया में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बैगा कलाकारों और प्रतिनिधियों के द्वारा एक दिवसीय बैगा कर्मा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया। जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर हर्षिका सिंह महोत्सव में शामिल हुई। उन्होंने महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा, बैगा जनजाति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रशासन तत्पर है। उन्होंने बैगा जनजाति के सदस्यों से आग्रह किया कि वो अपनी किसी भी प्रकार की समस्या से प्रशासन को अवगत कराएं। कोई प्रशासन तक नहीं पहुंच पाता तो बैगा समाज के प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात प्रशासन के समक्ष रख सकता है। श्रीमती सिंह ने बैगा समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, आगामी 3 माह में बैगा विकास के लिए विशेष प्लान बनाए जाएंगे। मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के लिए संबंधित विभागों के माध्यम से विशेष प्रयास किए जाएंगे। बैगा कर्मा महोत्सव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बैगा समुदाय के प्रदेश और राज्य स्तरीय जनप्रतिनिधि तुलसी पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन संबंधित अधिकारी और जनजाति कलाकार उपस्थित थे। और एक दिवसीय बैगा कर्मा नृत्य महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य बैगा समाज के नए पीढ़ी के युवा और युवतियों को समाज के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचय कराना है। इस प्रकार विलुप्त हो रही बैगा विशेषताओं को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास करना है। महोत्सव के दौरान वरिष्ठ बैगा प्रतिनिधियों द्वारा जनजाति रीति रिवाजों की चर्चा की गई। इस प्रकार बैगा समुदाय को संविधान और शासन और प्रशासन के माध्यम से दिए गए अधिकारों और विशेष सुविधाओं प्रदान किए जाएंगे। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ जिले से भी, छत्तीसगढ़ राज्य के कई जिलों के हमारे जो बैगा भाई बहन हैं, आप सबों को सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हुए जोहार कहना चाहूंगी। आज इस कार्यक्रम में आकर यहाँ पर जो रंग देखने को मिल रहा है, जो बैगागी रंग देखने को मिल रहा है, वो एक अपने तरह का एक एक्सपीरियंस है। यहाँ पर एज जिला कलेक्टर अब लगभग मैं 1 साल से मैं यहाँ पर हूँ, और यहाँ पर आने के बाद जब आप पूरे जिले को समझना शुरू करते हैं, तो उसके बीच में मुझे ये समझ में आया कि हमारे यहाँ पर बैगा जनजाति के लोग, लगभग 38,000 लोग हमारे साथ इस जिले में निवास करते हैं। कई क्षेत्रों में, कई पंचायतों में, कई जनपदों में, ऑलमोस्ट मेरे 9 ब्लॉक्स हैं, मेरे 9 ब्लॉक में हमारे बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं। और जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि जो हमारे बैगा जनजाति मुख्यतः उन पंचायतों में या उन क्षेत्रों में निवास करते हैं जो कि फॉरेस्ट एरिया के आसपास है, जहां पर अभी भी कई सारी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित है, चाहे वो किसी भी तरह की सामुदायिक सेवाओं से संबंधित है। इसके साथ ही कई सारी ऐसी स्कीम, जैसे अभी कुछ लोग बता रहे थे अपने वक्तव्य में, नंदराम जी बता रहे थे कि हमारे लोग ऐसे होते हैं जो सामने जाकर अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। वास्तव में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे कोई भी बैगा भाई बहन मेरी जन सुनवाई तक नहीं पहुंच पाते हैं मंडला जिले में, और उनके जो कंप्लेंट्स हैं, उनकी जो बातें हैं, वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही थी, ये बात मैंने महसूस किया। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी हम लोगों ने पिछले 1 साल में काम किया है, उसमें सबसे पहला मेरा जो लक्ष्य रहा है, वो लक्ष्य ये रहा है कि हमारे जिले के जितने भी अधिकारी हैं वो अपने बैगा भाई बहनों तक पहुंचे, ना कि ये वेट करें कि हमारे जो बैगा भाई बहन है वो अपनी समस्याओं के साथ हमारे तक पहुंचे। यानी कि जितने भी हमारे जो इस तरह के क्षेत्र में निवास करने वाले हमारे बैगा भाई बहन हैं, उनके जो मुद्दे हैं उसको समझने के लिए हमारे अधिकारियों के दरमियान हमने देखा कि कई सारे ऐसे औषधि हैं जो कि कोविड के समय सहयोग कर रहे थे, जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हमारी ओवरऑल जीवनी है, कल्चर है, उन सारी चीज़ों को समाहित करते हुए आपको हर्ष के साथ बताना चाहूँगी कि कल जिला प्रशासन ने मैं बैगा हूँ नामक की किताब का विमोचन भी किया है। इस किताब के माध्यम से हम पूरे बैगा जन संस्कृति को केवल अपने मंडला जिले में ही सीमित नहीं रखेंगे, इनफैक्ट उसकी कॉपी हम पूरे देश में भेज रहे हैं, ताकि सभी लोगों को ये पता चले कि हमारे साथ जो निवास करने वाले बैगा भाई बहन हैं, उनकी संस्कृति कितनी रिच है, उनका लाइफ
कितना रिच है, और उससे स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जो नेचर कंजर्वेशन की बात अभी की जा रही है कि हम अपने जिस भी माहौल में रहते हैं जंगल की संरचना या जंगल को जो बचाने का जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है वो हमारे बैगा भाई बहन कैसे करते हैं, उन सारी चीज़ों को हमने डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है। और ये पुस्तक के माध्यम से इस बात को हम पूरे प्रदेश तथा देश के कोने कोने में फैलाने का भी काम करेंगे। इसके साथ ही आपको ये बताना चाहूंगी कि मंडला जिले में इसके पहले बैगा चक के कुछ हमारे गाँव में जो हमें जैसे हम करते हैं कहते हैं कि जो हैबिटेट राइट है, हैबिटेट राइट का मतलब ये होता है, अगर सिंगल सरल शब्दों में आपको बताऊं कि जल जंगल जमीन का जो जो हमें राइट मिलता है वो उसकी जो अधिकार है वो हमारे जिले में भी कल पहला जो हमारा हैबिटेट राइट है 148 बैगा परिवारों को जो हमारा मवई का क्षेत्र है सठिया और अंबार का वहाँ पर हमने पहला हैबिटेट राइट दिया है। उस क्षेत्र में निवास करने वाले ये 148 जो बैगा परिवार हैं उनको अपने आर्थिक सामाजिक पारंपरिक किसी भी तरह के काम को करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, चाहे वो काम करने के लिए उन्हें किसी भी राजस्व भूमि में जाने की जरूरत पड़े या विशेषकर कई सारे फॉरेस्ट के कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको क्रॉस करके लोगों को ये सारे काम करने जाने पड़ते हैं और फॉरेस्ट के माध्यम से कई बार कंजर्वेशन इश्यूज के कारण आपको दिक्कत जाती थी, उसका भी अधिकार इस हैबिटेट राइट में दिया गया है। सम्मिलित हुए पूरा जिला प्रशासन मंडला की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगी। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, आपका परिवार समृद्ध रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः पूरे बैगा जनजाति के हमारे सभी भाई बहनों को अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन देना चाहूंगी। जय जवान। खबर भारतवर्ष के लिए मंडला मध्य प्रदेश से भुवनेश्वर केवट की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।